हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं राजीव रंजन आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने क्या क्या मैसेज करके क्या बोल रहे हैं सर? आप यूट्यूब पे आते ही मार्केटिंग करने के लिए अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। कोर्स सेल करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद एक ही है, हर एक बच्चा को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, एक उसको अच्छी तरह से गाइडेंस मिलना चाहिए। अच्छे टीचर के गाइडेंस में जो बच्चा आता है वही जल्दी सिलेक्शन ले जाता है। नहीं तो क्या पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान आप लोग पढ़ते ही, प्लानिंग ईयर में जो पढ़ते हैं उस तरह से। हमारा ये मकसद नहीं है कि बच्चा 5 साल तक घिसते रहे, हम यूट्यूब पे आके ये पढ़ाए वो पढ़ाए टाइम पास करने लगे, ये हमारा कोई मकसद नहीं था। इसलिए हमने क्या क्या शुरुआत में ही आप लोगों के क्या एक बैच लॉन्च कर दिया, उसका काफी अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया, काफी अच्छा, मतलब जो जिस तरह से हम लोग उम्मीद भी नहीं कि उससे ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इतना कोर्स में एडमिशन हो चुका है कि उसको हम मजबूर में हम क्या है 6 तारीख से पहले हम इस कोर्स को क्या करने बंद करने जा रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं मार्केटिंग, ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग अगर करना रहता है तो हम करोड़ों का सेल कर सक बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? वो हमारे अंदर वो टैलेंट है उसको बेचने का, क्योंकि मेरा मार्क ही इतना है उस पर कोई बच्चा अपना कोर्स ले सकता है। लेकिन उस तरह से हमें मिसगाइड नहीं करना है बच्चों को, सिर्फ अच्छा डायरेक्शन दे के बच्चों को उसको अपना मंजिल तक पहुंचाना है। और ये भी नहीं है कि हम 10,000 20,000 रुपया कोर्स बेच रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा पे करने, आप अपना खुद जोड़ लीजिए कितना कम प्राइस में हम आपको कितना अच्छा फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो एक टॉपर रह चुके हैं। 200 200 100 मैं खुद कर चुका हूँ, एक बार नहीं हूँ 3 बार 190+ क्या हूँ, 50 में 50 तो छोड़े 3 बार इसको कर ही लिया हूँ। उसके बाद CHS में 50 out of 50 कर चुका हूँ। तो इतना अच्छा टीचर से पढ़ने का यदि आपको मौका मिले तो ये जो हमारा मैथ स्पेशल बैच का जो प्राइस रखा गया है 1499, ये कोई ज्यादा नहीं है। इसके लिए अगर इस तरह का टीचर हमें अपने समय में मिलता तो इसके 5000 10000 पे कर सकते, लेकिन उस तरह के हमारे समय में कोई मिला नहीं। और आप लोग का ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको इस तरह से फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। और उसी तरह से हमारे इंग्लिश का जो टीचर है उसमें उनका भी बहुत अच्छा स्कोर है और बहुत अच्छा प्रीमियर स्कोर करते हैं, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। उससे आप पढ़िए और मौका का फायदा उठाइए। और ये आपके दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि कोई सर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग करने का काम हमारा नहीं है। हमारा एक उस प्रोफेशनल टीचर जैसा नहीं करना है कि कोई अपना बेच रहे हैं और बच्चा पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये हमारा एक इंडिविजुअली जितना भी बच्चा हमारे कोर्स में इनरोल हो गया है उसको इंडिविजुअली आप देखिएगा, यदि आप हमारे कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको हर एक दिन हर एक सप्ताह में एक से दो बार आपको कॉल जाएगा, आपके पेरेंट्स से बात कीजिएगा, आपको लगेगा कि हम जो 2000 2100 रुपये जो सर को दिए हैं वो हमारा जायज है, कम ज़्यादा पैसा नहीं है। अब जब 6 7 महीने के पीरियड में जब हमारे से जुड़ जाएंगे उस पीरियड में आपका जो तैयारी जो एक अच्छे प्रॉपर वे में हो जाएगा उसमें आपको लगेगा सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट से और हमसे हो जाएगा पढ़ाई के, और जितना भी कंटेंट है उससे आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप स्कोर भी बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे और प्रीटी मेंस वगैरह टायर 3 सब क्वालिफाई करके आप सिलेक्टेड भी हो पाएंगे 1 साल के अंदर। चलिए आप यहाँ पर हम इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, आपका जो जो बोल रहे थे ना मार्केटिंग करना है उसी को हम आपको उस चीज को दूर करने का है। दूर क्या है, एक आपके लिए सरप्राइज रखा गया। सरप्राइज ये है कि आप आगे देखिए क्या सरप्राइज, आप खुद से देख लीजिए सरप्राइज क्या है। सरप्राइज जलेगी जीत मसाल एडू चेतना के साथ, क्रांति कलम से होगी। अब लड़ाई दिमाग से क्रांति नहीं करना है, कलम से क्रांति करना है और लोगों को अपना अपना जो दिमाग ऊपर ऊपर तक लेके जाना है और लोगों को कलम से दिमाग में चला के उसको कुचल देना है। और ये हमारा इस बैच की क्या है नारा है, नारा जिसे बोलते हैं जलेगी जीत मसाल की एडू चेतना के साथ। और इस तरह से आपको भी क्रांति लाना है, पढ़ पढ़ के लाना है, इस आग की तरह उठा के नहीं ले जाना है, पढ़ के दिन रात मेहनत करके आपको इस तरह से आपको बनना है क्रांतिकारी। और देखिए ये हमारा क्या है बिहार SSC CGL 3 एग्जाम 2022 में बिहार सचिवालय का जो भर्ती आया उसके बारे में इसको आपको सरप्राइज देने के लिए बैच लाया गया है। और इसमें जो हमारा है फ्री 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 फुल प्रैक्टिस सेट हम आपको यूट्यूब पर फ्री में करवाएंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे, जितना भी है एक अच्छा से अच्छा कंसेप्ट में। और सबसे बड़ी ये बात है यहाँ पर हम फुल डिस्कस कराएंगे, फुल सेट का डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि हम मैथ को करा के छोड़ देंगे, यहाँ पर हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। जब तक हमारे पास फैकल्टी नहीं अवेलेबल है GK और GS करंट अफेयर की और रीजनिंग के, तब तक हम खुद से आपको पूरा फुल प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और उसकी ये अब ये भी नहीं समझना कि हमको यार मैथ का टीचर है तो हम मैथ ही पढ़ा सकते हैं, हम मल्टी टैलेंटेड है, GS भी पढ़ा सकते हैं, GK भी पढ़ा सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ा सकते हैं और रीजनिंग भी पढ़ा सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम मेरा ऐसा स्कोर नहीं है, जब CGL प्री दिया था मैंने तो उसमें GK 50 में 42.5 नंबर था, 42.5 नंबर अपने आप में एक एडवांटेज बहुत ही अच्छा स्कोर मारा था, 84% हो गया। तो इस तरह से हम मेरा हर एक विषय मजबूत है, स्ट्रांग है, किसी भी सब्जेक्ट को हम पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ्स ही पढ़ा सकते हैं। तो आगे क्या देखिए,
आगे है क्या, बिहार के अब हर गरीब बच्चों का सपना होगा पूरा। जो भी, और क्या होता है ना, बहुत बच्चे गरीब होते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता है, कोर्स में इनरोल नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए हम इस यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट फ्री बैच लाए हैं। और आप यदि चाहे कहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस बैच को मैथ्स को, सिर्फ मैथ, ओनली फॉर मैथ के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर लेंगे। उसमें जीरो टू आपको एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम आपको सारा मैथ्स को पढ़ा देंगे। और ये बिहार का हर गरीब बच्चों का सपना होगा पूरा। और यहाँ एक सबसे बड़े 100% सफलता की गारंटी होगा। जब मेरे पास 7-8 महीना पढ़ लेंगे तो 100% आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से सिलेक्शन मेरी हो सकती है। और ये इस बैच होगी लाइव बैच, 1 PM से 2 PM के बीच में चलेगी लाइव बैच, यूट्यूब पे लाइव होगी। और ये कभी कभी हो सकता है, अगर कुछ इश्यू आ जाएगा तो इस बैच को टाइमिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जाएगा डेली का डेली बेस पे, कोई भी हो। और ये बैच कब से शुरू होता है, 10 जुलाई से ऐप और यूट्यूब दोनों पे जाएगा। और फ्री प्रैक्टिस से टिल एग्जाम तक होगा। कब तक, टिल एग्जाम तक रहेगा, जब तक बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये बैच चलती रहेगी। और देखिए आगे क्या है इसमें, देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ भीड़ है एडु चेतना के पास। उसी तरह से आपको ऑनलाइन के भी थ्रू इतना भीड़ करना है, ये ऑफलाइन में तो है ही, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू भी आपको भीड़ जमाना है। अब देखिए इस बैच का क्या फीचर है, लाइव क्लासेस होगा, उसमें क्लास पीडीएफ मिलेगी, डॉट सेशन रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट टीचर हम ही है। इंडिविजुअल कॉल आपको किया जाएगा, केयर विद टीचर के साथ आपको कॉल किया जाएगा। अगर किसी तरह की आपको परेशानी होगी उसमें आपको बताया जाएगा क्यों परेशानी हुए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसको आपको इंडिविजुअली क्या कि सोल्व किया जाएगा। और बैच देखिए, जब आप बैच में कोई तरह की दिक्कत आ रही है इस नंबर पर आप क्या कीजिए, संपर्क कीजिए। जब तक आप संपर्क नहीं कीजिएगा तब तक हमको कैसे पता चलेगा आपको दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है तो सर आप क्या कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए और इस पर व्हाट्सअप कीजिए, पूछिए हमारी टीम से कि इस तरह की सर दिक्कत हो रही है, अलग अपना मोबाइल उठाइए, घंटी डंडना है इस पे। और क्या करना है आपको, प्ले डाउनलोड करना है एडु चेतना ऐप। क्या करना है, एडु चेतना ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ से कहाँ से, प्ले स्टोर पे जाके उस पे लिख एडु चेतना और जाएगा इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस देगा अंदर में। उसके बाद एक और ये बात क्या है, वैलिडिटी देखिए, अब ये क्या है, श्योर सिलेक्शन बिहार एसएससी का जो सिर्फ उसमें मैथ जो पढ़ा रहे हैं ना, उस बैच का नाम रखा गया है श्योर सिलेक्शन बैच, बिहार सचिवालय, बिहार सचिवालय इस बैच का नाम है। और इसमें सबसे देखिए इसका प्राइस कितना था, 999 था। 999 का हमने क्या किया, आप लोग के लिए ऑफर भी रख दिया। ऑफर भी क्या है, 270 ही है, कितना, 72% इसमें डिस्काउंट हमने कर दिया है। जब आप कोर्स पर जाएंगे, इनरोलमेंट करवाएंगे, वहां पर एक कोर्स जब पेमेंट लिंक आएगा तो वहां पर एक कूपन अप्लाई करना होगा, बिहार 72, ये कर देंगे तो कितना होगा, 72% आपका ऑफ हो जाएगा। और ये पेएबल कितना पैसा होगा, 270 हो जाएगा, वहां से आप बैच को परचेज कर लेंगे। देखिए यूट्यूब पर जो हम पढ़ाएंगे ना, वो पढ़ाएंगे इससे भी आपका 100% क्लियर होगा एग्जाम। लेकिन आप अपने आप में यूनिकनेस लाना चाहते हैं और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, तब इस बैच को आप परचेज कीजिए, वहां से एक्स्ट्रा नॉलेज आप इकट्ठा कीजिए। और इस बैच का एक वैलिडिटी रहेगा टिल एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक इसका वैलिडिटी रहेगी। और ये क्या है, और ये है बिहार एसएससी श्योर सिलेक्शन बैच का, उसमें हम द मास्टर ऑफ मैथ्स हम है राजीव रंजन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा सीजीएल में। देखिए हमारा तीन टप क्या है, प्री में सीजीएल में 50-50 स्कोर है, और मेंस में कितना है, 200 out of 200 एक बार मैंने किया था, उसके बाद 190+3 times क्या हूँ उसके। बिहार एसएससी सर, देखिए बिहार एसएससी प्री भी मैं क्वालिफाइड हूँ, मेंस नोट अपेयर, ये नहीं सोचना कि मेंस में सर से नहीं हो पाते, सर मेंस में भी कर लेते लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सीजीएल के स्टूडेंट थे ना, सीजीएल में जाएंगे ना, बिहार एसएससी में जाके इधर भी सिलेक्शन वहाँ पर क्या होता है, सीट खराब हो जाता है, इसलिए आप लोग के लिए हम एक सीट छोड़ दिए थे, जो कि अब जो रिजल्ट है उसमें आप लोग सिलेक्शन हो पा रहे होंगे। और बिहार एसएससी प्री क्वालिफाइड, इतना बात को ध्यान रखना है। और आगे क्या करना है, आगे देखिए व्हाई टेक दिस कोर्स, इस कोर्स का आप क्यों खरीदिएगा। इस कोर्स में आपको मिलेगा अ वेल डिजाइनड कोर्स बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल बिहार बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, जितना भी एग्जाम हुआ है लास्ट 10 ईयर में बिहार एसएससी का, सब पैटर्न इसमें अंदर में प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर। और उसके बाद अ कोर्स विद द डेली स्टडी प्लान टू हेल्प एस्पिरेंट टू क्लियर बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, इसमें वेल डेली प्लान आपको बताया कि इस तरह से आप तैयारी कीजिए और इस तरह से करना है, इतना मटेरियल को बनाना है, ये इस तरह से आपको बताया जाएगा। और उसके बाद ये एक वीकली डाउट सेशन रखा जाएगा, जो भी कोई अगर क्वेरी आ रहा है, क्वेश्चन में आप डाउट हो रहा है तो उसके लिए वीक में आपको रखा एक सेशन रखा जाएगा, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपना डाउट को सोल्व कर पा रहेंगे। और उस तरह से अगर ये तो फैसिलिटी आपके पास है, डेली बेस पे आपको कॉल आएगा या वीक में 2 बार कॉल आएगा, उसके थ्रू आप डाउट भी वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चा को लगता है कि डॉट सेशन सर आप रखवाइए, तो हम उसके लिए डॉट सेशन वीकली रख दिए हैं। और उसके बाद डिजाइनेड बाय बीएसएससी सीजीएल एग्जाम बेस्ड होगा, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं रखना है, कैट फैट मैट जैट का क्वेश्चन नहीं रखेंगे, सिर्फ जो ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ एग्जाम रहेगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा उसी बेस पे इसमें क्वेश्चन पिक किया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है
आपको ये बताना है कि कैसे हमारे ऐप पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, हाउ टू रजिस्टर टू ज्वाइन आवर कोर्स। क्या है, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उस पे लिखेंगे एडुचेतना, तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंस्टॉल कीजिएगा इसको, इंस्टॉल जैसे करेंगे इस तरह ओपन कीजिएगा तो ये इंटरफेस मिलेगा। उसके सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपका है क्या, वहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे ओटीपी आएगा, वो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक उसके बाद यहाँ पर अपना नाम जो एक्स वाई जेड कुछ भी हो वहाँ पर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ क्या ध्यान रखें, पेरेंट्स मोड को नहीं जाना है, रखना है। यदि आप पेरेंट्स मोड में चले जाएंगे ना थोड़ा सा परेशानी होगी, उस परेशानी को दूर करने फिर हमारे टीम के पास आपको कॉल करना होगा, उसके बाद ही दुर्गा, इसलिए उस परेशानी से पहले ही आप बच जाइए, सावधानी रखिए तो दुर्घटना टल जाएगी, तो इसलिए इसको ऑफ ही रखना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगी और उसके बाद हमारे ये अंदर इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पर क्या करना है, होम पेज है और स्टोर पर जैसे ही जाएंगे जितना भी मेरा सारा कोर्स है यहाँ पर सब आपको दिख जाएगा। इस कोर्स में क्या है, एक तो हमारा क्या है बीएसएससी का सचिवालय के सिर्फ मैथ में इसमें हम पढ़ाएंगे, मैथ्स ओनली फॉर मैथ्स का ये बैच है। और उसके बाद कॉम्बो बैच है, ये शायद कल तक ये ऑफ हो जाए। और उसके बाद ये स्पेशल मैथ है, उसके बाद स्पेशल इंग्लिश है। और देखिए हमारे ऐप पे क्या है, आप चैट के थ्रू भी बात कर सकते हैं टीचर के साथ, और किसी भी तरह की परेशानी उसके साथ। उसके बाद यहाँ पे आप क्या अगर इनरोल हो जाएगा, आप हमारे कोर्स में जुड़ जाएंगे। और आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, आगे एक कोटेशन लिखा है, क्या लिखा गया, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। इस कोटेशन थोड़ा सा देखिए, कहीं कहीं कोटेशन हम याद करते हैं आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, इसलिए आपको इस तो पढ़िए और खुद को मोटिवेट रखिए। कभी ये डिस्करेज नहीं होना है कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही से होगा। किससे होगा, जब आप 12-12 घंटा 13-13 घंटा मेहनत करेंगे तो किससे होगा, आप ही से होगा ना। बच्चा क्या करता है, पढ़ता कम है ज्यादा सोचता है, सोचना कम है पढ़ना ज्यादा है, बस इतना ही करना है। सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और किसी भी इस प्रकार की सहायता के लिए संपर्क करना क्या है, इस नंबर को आप पहले भी बता दें, अब दोबारा भी बताने की कोशिश करें, इस नंबर पे आप कॉल लगाइए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और हमारे यहाँ जो तैयारी क्या जा रहा है, एसएससी बैंकिंग रेलवे आरपीएफ बीएसएससी बीएसएससी बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का हो कि बीएड डीएलएड में जो मैथ्स था, हरेक एग्जाम के पर्टिकुलर हरेक एग्जाम को तैयारी किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, और इससे पहले क्या, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं ना एडू चेतना यूट्यूब पर जाइए, उस पर क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो सबको लाइक कीजिए और दोस्त यार सके संबंधी सबके साथ शेयर भी कीजिए, नहीं कीजिएगा शेयर तो समझ लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा इजिली। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए यूट्यूब पर हम आप जो यहाँ पर जो हम अनाउंसमेंट करने हैं बैच के, आप जो सरप्राइज था उसके बारे में क्या है, यूट्यूब पर हम 50 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और ये 50 प्लस जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम दिसंबर में ले ले तो हो सकता है 50 की जगह 100 भी प्रैक्टिस सेट करवा दें। इतना प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे ना, एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगा। तो इसलिए 50 प्लस मिनिमम तो इतना होगा ही हुआ फ्री में। अब उसके बाद ये 17 पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, कितना 17 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, कितना है 17 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको हम आपको क्या करेंगे प्रैक्टिस करवाएंगे। और अब हमारी जिम्मेदारी टारगेट क्या है, 100 प्लस सिलेक्शन दिलवाना है बिहार एसएससी सीजीएल में एडू चेतना से। अब मैथ से कैसा डर जब साथ हो राजीव रंजन से, देखिए अब हमारे साथ जब पढ़ेंगे मैथ से डर होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई ये मतलब ही नहीं बन रहा, इसीलिए मैथ से आपको डरना नहीं है। मैथ से क्या करना है, डरना नहीं उसको करना है, कैसे भी उसको करना है। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सभी विषय की तैयारी अब एक ही जगह पे बिहार एसएससी का जितना भी है मतलब जीके जीएस और उसको प्रैक्टिस मोड में प्रैक्टिस सेट के मोड में हम अपने खुद से सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। और इतना मुझे तो पता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा और बिहार एसएससी का क्या लेवल रख सकता है, उसी पैटर्न में उसी मोड में आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। बिहार के हर कोने में शिक्षा पहुँचाना ही एक हमारा उद्देश्य है। क्या है बिहार, क्या है शिक्षा में बहुत पीछे है, उस चीज को बैरियर को तोड़ना है, ब्रेक करना है और बिहार का नाम रोशन करना है शिक्षा के मामले में। वैसे भी शिक्षा आईएएस देने में बिहार क्या है सबसे आगे ही रहता है। और क्या है, अब हर किसी का सपना होगा पूरा सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी का मतलब हो जाएगा एडू चेतना। कुछ समय आप रुकिए, कुछ समय धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, साल एक साल डेढ़ साल के अंदर ही हर कोई बोलेगा एडू चेतना ही जॉब का मतलब होगा क्या, एडू चेतना उसको बोलना पड़ेगा।
और ये क्या है आगा, देखिए अब यहाँ इसमें कुछ स्ट्रेटजी भी आपको बताए थे, आपको खुद से क्या क्या करना है। आपके पास मात्र 6 बुक होना चाहिए। यदि बिहार एसएससी सिर्फ फोकस कर रहे हैं, आपको निकालना है, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, यदि निकालने का आपको जिगर है, मतलब जज्बा है, तो आप सिर्फ आप 6 बुक रखेंगे अपने पास। कौन सा रखना है? एक लूसेंट। लूसेंट क्या है? ये तो रखना है, ये जो हमारा बाइबल ऑफ जनरल कंपटीशन है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लूसेंट सामान्य विज्ञान है, ये 130-140 रुपया हम आपको देता है, मार्केट से परचेज कर लेना है। उसके बाद एक सामान्य विज्ञान होता है, ये अलग से लेना है, ये सामान्य विज्ञान है और ये सामान्य विज्ञान है, ये 2 बुक आपके पास होना ही होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, जब ये नहीं पढ़िएगा तब तक तो आप बहुत ही कम मार्क गेन कर पाएंगे। उसके बाद एक देखिए, ये बिहार एस एस सी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी आपको यदि डर लगे कि सर आप बिहार एस एस सी का एग्जाम करवा रहे हैं, बिहार हो सकता है बिहार के स्पेशल क्वेश्चन पूछ दें, तो उससे हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस बेस्ट बुक है बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, इम्तियाज अली और रजनीश कुमार का ये बुक है, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन उतना पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ यह 30% आप पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से है, इसको आप ले सकते हैं। नहीं भी पढ़ेंगे ना तो काम चल जाएगा, ये दोनों बुक से काम चल जाएगा। और आगे देखिए कौन सा बुक लेना है, और आगे बुक क्या है, और करंट अफेयर पढ़ना होता है, करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए क्या है, एसपीडी का एक बुक आता है, ये इंटरफेस देख रहे हैं बुक का, ये बुक आपको लेना है। और ये करंट सेशन मिले मंथली बेस पे आता है, इसको आप पढ़ते रहिए, बस एक ही करंट बुक पढ़िए, मेरे पर यकीन रखिए, इस बुक के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जो भी करंट अफेयर का आएगा ना, तो इस बुक के अंदर से आएगा। मेरा खुद का एग्जाम निकला, इतना सारा एग्जाम निकाल चुका हूं, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा एग्जाम में कितना कहां से क्वेश्चन वेटेज रखता है और कहां से पूछ सकता है, किस बुक से। और ये तो हो गया करंट अफेयर का, हो गया सेक्शन कंप्लीट। और उसके बाद होता है मैथ्स का सेक्शन, मैथ्स ऐसे प्रैक्टिस करा देंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको लगे नहीं हमको मैथ से बुक लेकर प्रैक्टिस करना है, जैसे आप पढ़ाएंगे उसके एक्स्ट्रा भी मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, सिर्फ बिहार एसएससी में या एडवांस मैथ नहीं पूछता, सिर्फ अंकगणित अर्थमेटिक मैथ पूछता है। उसके लिए क्या क्या, एक आप बुक ले लीजिए, आर एस अग्रवाल की आती है, राइटर का नाम है आर एस अग्रवाल, अंकगणित उसका नाम है, लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद रीजनिंग के लिए बोलेंगे सर, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग जो सेट में प्रैक्टिस होता है उसी के थ्रू कंप्लीट हो जाता है, फिर भी आपको डर लगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। रीजनिंग का एक आता है, रीजनिंग का है रुकमणि प्रकाशन का बुक है, ये प्लेटफॉर्म की है, और इसमें जो है लेटेस्ट वर्जन के जो स्नातक स्तरीय एग्जाम भी देख लीजिए, यही सेम बुक लेना है, कोई अलग फलग नहीं लेना है, अलग फलग ले लीजिएगा फिर अपना दुविधा में पड़ जाइएगा, उदुल फुदुल पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। ये देख लीजिए 2100+ जो है प्रैक्टिस सेट, आपको यही लेना है, और ये रीजनिंग का बुक है क्या। और अल्टीमेटली हम बुक को एक समराइज कर देते हैं, बुक लिस्ट को जो समराइज कर देंगे, तो उसमें क्या है, देखिए 6 बुक आपको लेना है, समान ज्ञान का लेना है, उसके बाद समान विज्ञान लेना है, उसके बाद ये आप नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, ये नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, बात को समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद एक करंट अफेयर लेना है आपको, करंट अफेयर बुक, उसके बाद अंक गणित मैथ के लिए लेना है एक बार, उसके बाद एक रीजनिंग के लिए ये बुक लेना है। बस आपके पास 5 से 6 बुक होना चाहिए, उसके बाद कोई भी किताब नहीं होना चाहिए, यदि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय सहायक बनना है, सच में आपको बनने का मकसद है आपका, तो यही 6 बुक आप पढ़िए। और यूट्यूब पर जो हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं। देखिए और आगे स्लाइड में देखिए क्या है, अगला स्लाइड में देखिए, अब जो सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस क्या क्या इसमें दिया गया है, सामान्य अध्ययन आपको 55 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 45 क्वेश्चन विज्ञान और गणित से रहेगा, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। देखिए आप कितनों भी पढ़ने में कमजोर होंगे ना, तो 55 में इजिली क्या कर लेंगे, 45 नंबर तो ला ही लेंगे, 45 नंबर मार्क कर ही पाएंगे, अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे टिल एग्जाम तक, तो ये मेरा जिम्मेदारी 45+ इसमें आपको नंबर दिलाने की। और उसके बाद गणित और इसमें 45 मिला के इसमें आप 40+ आपको मार्क आएगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और रीजनिंग में 50 है, इसमें आप 45+ करेंगे ही करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, तो ये आप क्या है 130 नंबर आसानी से आप ला पाएंगे, कितना में 150 में ये 130 नंबर लाएंगे। जब इतना नंबर आप लाएंगे ना, तो एक टॉपर के रूप में उभर के आएंगे मार्केट में। देखिए ये हमारा क्या था, जितना बिहार एसएससी का थ्रस्ट था क्या था, वो लिस्ट था, और बिहार एसएससी का जो सरप्राइज आप लोगों के पास रखना था ये था। और जो हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ना सेट 150 से 60 से 70 जो भी पढ़ाएंगे, उसका पीडीएफ को आपको क्या करने पर 99 रुपया पे करके हमारे ऐप पे जाएंगे, उस पे वहां से पे करके पीडीएफ, यदि वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जा रहे हैं तो पीडीएफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लगे हमें पीडीएफ के थ्रू क्लियर करना है, दोबारा रिविजन करना है, तो 99 रुपया पे करके 50-60 जो भी मतलब पीडीएफ आएगा, जितने भी सेट पढ़ाएंगे उसका सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया आपको पे करना है। इतना पैसा आप नहीं देंगे तो फिर हमारे यहाँ
टेक्नीशियन है, उस सबका खर्चा कैसे उठाएंगे। इसीलिए 99 रुपया कोई ज़्यादा फीस नहीं रहता है, उसको आप इजिली कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना बिना दान किए भी कुछ नहीं, मतलब फ्री में कुछ होता ही नहीं है। अगर शिक्षक आ गया, शिक्षा को अर्जित करना है तो उसका गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा पैसा हमने रखा है, सिर्फ 99 रुपया रखा है, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा निकला उस पर उतना ही निकला। ये हमारा मतलब खर्च कमाने का कोई जरिया नहीं है। तो यही बात, इसमें यहीं पर हम अपने एक बात को ख़त्म करते हैं, और फिर आप जो है 10 तारीख से हमारे साथ जुड़िएगा, और अपना दोस्त यार सगे संबंधी भाई जो चाचा तो लड़का लड़का सब है, सबको साथ आप शेयर कीजिए, आग की तरह वीडियो को फैलाइए, और सबको बोलिए आप फ्री 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 प्रैक्टिस बैच बिहार SSC के लिए आ गया है। और यहीं पर अपना वीडियो क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, और लास्ट में आपको बड़ा वाला एक थैंक यू कर देते हैं। और इस वीडियो पर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।